दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार दोस्तों हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, में इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया है, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को कभी राखी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्र जो कि शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद दोनों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख ले और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखे। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेंगी, इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन जो कि 30 को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना अत्यंत शुभ रहेगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:00 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा।